हेलो एवरीवन, आज मैं आ गई हूँ सुबह सुबह, जल्दी जल्दी झाड़ू लगा रही हूँ। अब बच्चों के लिए लंच वगैरह भी तैयार करना है। उन लोगों की आज स्कूल है, बुधवार है आज, तो उन लोगों की वाइट ड्रेस रहेगी, तो जल्दी जल्दी झाड़ू लगा रही हूँ। उसके बाद मैं लंच की तैयारी करूँगी। आज मैं उन लोगों के लंच में ना पत्ता गोभी की सब्ज़ी और रोटी और फ्रूट्स वगैरह रखूँगी। तो जल्दी से मैंने आलू पील कर लिया। आजकल देखिए ना, आलू में कैसे ब्लैक ब्लैक सा अजीब सा रहता है, और आलू अजीब से मीठे मीठे से लगते हैं, पता नहीं अजीब सा टेस्ट आता है, आलू अच्छे नहीं लगते। जल्दी जल्दी अब खचाखच सारी सब्जियाँ कट कर लेती हूँ, टाइम हो जाएगा, फिर बच्चों को तैयार भी करना है। जल्दी जल्दी मैंने पत्ता गोभी वोभी सब मतलब अच्छे से काट वाट के, देखिए मैं बहुत बारीक बारीक काटी हूँ ताकि ये जल्दी पक जाए, तो काट लिया मैंने। अब मैंने कढ़ाई रख दी जल्दी जल्दी से, अब सब्जी में बघार लगा देती हूँ। मैं पत्ता गोभी की सब्जी में ना कलौंजी और सौंफ का तड़का लगाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे बच्चों को सौंफ का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है पत्ता गोभी में, मेरे शौबिक को बहुत पसंद है, तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ, उसको जैसा पसंद है। तो मैंने उसमें कलौंजी और सौंफ डाल दी, और उसके अंदर अदरक डाल दिया थोड़ा सा, और बस अब मैं इसमें पत्ता गोभी और आलू जो काट के अच्छे से धो के साफ़ कर लिया है मैंने, वो डाल दिया, और अब मैं इसको अच्छे से थोड़ा मिक्स कर लूँगी। और इसमें ना दो ऐसे खड़ी मिर्ची डालूँगी, बस थोड़ा सा ऐसे बीच में से काट के, ये देखिए बस ऐसे ही रख डाल दूँगी मैं, तो ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं होगा, तो बच्चे बहुत अच्छे से खा लेंगे। अब मैं इसमें सारे सूखे मसाले ऐड कर दूँगी, बस हल्दी पाउडर और नमक ही डालूँगी और कुछ नहीं डालूँगी। लास्ट में मैं इसमें बस थोड़ा सा जो मैगी मसाला होता है ना मैजिक वाला, वो वाला डाल दूँगी, तो ये मतलब कि प्रॉपर अच्छा बन जाएगा, बच्चों को ऐसे ही अच्छा लगता है। मैं बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं करती हूँ पत्ता गोभी की सब्ज़ी में, तो बस ऐसे ही तैयार कर दूँगी मैं उन लोगों के लिए, वो लोग बहुत अच्छे से खाते हैं, और पत्ता गोभी की सब्ज़ी मुझे भी ऐसे ही अच्छी लगती है। और ये देखिए मैंने ना सब्जी की कढ़ाई उधर शिफ्ट कर दी, और रोटियाँ डालूंगी इधर साइड वाला जिसमें मैंने तवा रखा है, ये वाला चूल्हा एक्चुअली बड़े बर्नर वाला है, तो इसमें जल्दी बन जाती है सारी चीज़ें, तो मैंने रोटियां डालनी थी, रोटियां जल्दी मतलब कि रोटियों में आँच भी अच्छी चाहिए, नहीं तो रोटियां फिर वो अजीब सी कड़क कड़क हो जाती है। और फिर मैंने जल्दी से तवा रख दिया था, और रोटियां सारी बेल ली थी मैंने, तो उधर मेरी सब्जी भी बन रही है, इधर रोटियां भी मैं सीखती जा रही हूँ, एक साथ दोनों काम कर रही हूँ जल्दी जल्दी में, और ये एक एक करके मैंने सारी रोटियां मतलब कि सेकती जा रही हूँ। और ऐसे ही मैं रोज़ मेरा सुबह का ऐसा ही रूटीन रहता है, और कभी कभी कुछ कुछ, कल रायमा की टीचर ने मुझे फ़ोन करके बोल रही थी कि मैम आप थोड़ा रोटी सब्जी के अलावा भी कुछ रायमा के टिफ़िन में रखा करो, वो फिर इधर उधर देखती है तो बोलती है मैम मुझे वो वाला टिफ़िन खाना है, मुझे उसका खाना है, तो अब कभी कभी मैं चेंज करके भी डाला करूँगी। आज तो खैर रोटी सब्जी ही बना देती हूँ, कल मैंने सैंडविच रखा था तो उसका मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई, जल्दी जल्दी मैं बनाया था, फिर कभी बनाऊँगी मैं सैंडविच जैसे बच्चों को बना के देती हूँ, मैं शेयर करूँगी आप लोगों से भी। आज तो मैंने रोटी और पत्ता गोभी की सब्ज़ी बना दी, और इसमें फ्रूट्स वगैरह रख दूँगी, तो ऐसे ही जल्दी जल्दी मैंने सारा मतलब रोटी वोटी ये वो सारा सेक के उसमें घी भी लगा के अच्छे से, गरम गरम रोटियों में तुरंत घी लगा दो तो रोटियां सॉफ्ट रहती हैं, और घी बाद में जैसे बहुत टाइम ऐसा होता है ना रोटियों में घी लगाने के बाद रोटियां मतलब घी लगी मतलब कैसा जमा जमा सा लगता है, लेकिन गरम रोटियों में लगाएंगे तो ऐसा नहीं होगा। और फिर मैं कंटिन्यू मतलब रोटियां सेकती गई, और सेक के तैयार कर दिया, और मैंने लंच बॉक्स भी तैयार कर दिया, ये देखिए मेरी पत्ता गोभी की सब्जी भी बन के तैयार है, दोनों चीज़ मेरी एक साथ बन गई, रोटियां भी बन गई, और मतलब मेरा जो पत्ता गोभी की सब्जी बना रही थी वो भी बन गई, और ये बन के बिल्कुल तैयार हो गई है, मेरे टिफ़िन बच्चों के टिफ़िन भी बन के मतलब एकदम रेडी हो गए हैं। अब मैं इसमें ना एप्पल बहुत बड़ा है तो मैं मतलब हाफ़ करके भी हाफ़ का भी हाफ हाफ स्लाइस मतलब चार हिस्से का एक एक हिस्सा बच्चों के टिफ़िन में रखूँगी, दो रोटियाँ काफ़ी होती हैं, बच्चे खा लेंगे रोटी अच्छे से, और अगर भूख लगेगी तो एक्स्ट्रा इसीलिए फ्रूट्स रखा है। अब मैं पानी की बोतल भर लूँगी अच्छे से वॉश करके, मेरे बच्चे स्कूल का पानी पीते नहीं हैं, तो स्कूल में भी आरओ लगा है, लेकिन वो लोग स्कूल में मतलब पानी अगर बोतल खाली हो जाएगी ना तो वो लोग ऐसा नहीं है कि बोतल फिल करके फिर पानी पिए, घर से जो पानी मैं भर के देती हूँ वो लोग वही पानी पीते हैं,
और फिर मतलब कि अच्छे से साफ़ सुथरा करके भी देना ज़रूरी रहता है। तो मैं सारी चीज़ें अच्छे से तैयार करके अब रख दी मैंने, टिफ़िन अपन सारा हो गया मेरा। अब मैं रायमा को जल्दी से तैयार कर रही हूँ, उसको नहला दिया मैंने, नहला के बस कपड़े पहना रही हूँ। आज वाइट ड्रेस है तो बस बच्चे, आज वाइट ड्रेस का तो ऐसा है एक दिन पहनाओ बस उसी दिन गंदा हो जाना है, और शाम को बस जैसे आते हैं वैसे ही धोना है या तो एक दिन बाद धोना है। उधर शौभिक के पापा ने शौभिक को भी तैयार कर दिया था। और ये देखिए मेरे दोनों बच्चे स्कूल जाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, निकल पड़े। और ये बस आ गई है और बस मेरी रायमा और मेरे शौभिक दोनों बस में बैठ गए हैं, अब बस निकल जाएगी। ये देखिए उसने बैग भी ले लिया, बस अब बस चल पड़ी। बस मेरे दोनों बच्चे अब स्कूल के लिए निकल गए हैं और मैं भी अब घर जाऊंगी और बाकी का काम करूंगी। चलिए मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में, बाय बाय।